गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्टार्ट करें आज की क्लास को। चल वी स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। सो चलिए जी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज अनम्यूट अस। या अनम्यूट करता हूं मैं आपको। सर पेपर डिस्कशन। हाँ पेपर डिस्कशन करें। यस सर। नहीं जल्दी से। ठीक है ओपन करता हूँ मैं, उसमें से अपन डिस्कस कर लेते हैं पेपर को। ठीक है आइए फटाफट। सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ये बस ओपन हो रहा है। ठीक है एक बार देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन स्क्रीन ब्लू है सर, ब्लू दिख रही है थोड़ी सी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर मेरे को तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। अभी देखेगी बेटा तुम्हें ना। अभी ठीक है? यस सर अभी दिख रहा है। कैसा स्क्रीन दिख रहा है? येलो येलो दिख रहा है क्या सर? सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ यार थोड़ा सर्दी बुखार हो गया है। आपकी आवाज भी धुंधली सी आ रही है। चलो कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यस सर स्टार्ट करें। देखिए यस सर। सर प्रथम बताइए सर, फर्स्ट का आंसर x प्लस 4 इलेवन x प्लस 3 है। ये क्या है भाई? तो सर सर वो पेन वाला ऑप्शन हटा दो। पेन वाला ऑप्शन है कि जिससे कुछ भी ड्राइंग हो जाती है स्क्रीन पे। हाँ हाँ उसको हटा दिया मैंने। ठीक है हाँ जी अनोड बोलते हैं। आइए जी फटाफट देखा जाए वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चंस में देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 11 है यहाँ पे, बड़ा करूं ये? ठीक है नो सर। ठीक है सर थोड़ा सा बड़ा कर लेते अच्छा दिखेगा। ठीक है अभी ठीक रहे, दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। देखिए इसको फैक्टराइज करना है आपको ना।
तो मैंने क्या बोला था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12, ठीक है। आप इसको स्प्लिट करके कुछ ऐसा फैक्टर बनाइए तो 11 हो जाएगा, और 12 को स्प्लिट करोगे तो 4 और 3 में स्प्लिट होगा कुछ ऐसा। इसको यार स्प्लिट करके कुछ ऐसा बनाना ना कि ऐड या सबट्रैक्ट करके -41 आए। यस सर, सेम। क्या आएगा, व्हाट शुड बी सर? -44 + 3 -44 + 3 को 11 और 4 को अगर एक साथ ले लें, 44 आएगा और ये 3 आएगा, प्लस माइनस सोचना है तो -44 और +3 लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन समझ में आया सभी को? तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फैक्टर हमने स्प्लिट किया है इसको मैं साइड में लिख लूं, -44 और 3 में स्प्लिट हो। ये समझ में आया सभी को? डू यू अंडरस्टूड दिस? तो ये हो जाएगा 11x2, यस सर, और ये हो जाएगा -44x, और ये हो जाएगा +3x, और ये -12। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, इसको पेयरिंग करते हैं, वी डू द पेयरिंग ओवर यार, सब डिस्कस करेंगे बेटा ना, और सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये 11 है, बोलो बेटा। ये 3 मार्क्स का था ना? हाँ जी, 6 मार्क्स का, मतलब ये 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, ठीक है। अब ये देखिए 11 और 44 में क्या कॉमन आएगा, 11 एक्स स्क्वायर, और एक्स में क्या कॉमन आएगा, एक्स, तो यहाँ से बचेगा एक्स -4, और यहाँ पे 3 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4। तो ये हमेशा सेम आना चाहिए, यहाँ पे आ भी चुका है। अब ये वाला फैक्टर जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक्स -4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 11x, और यहाँ पे क्या बचेगा, +3। ये आंसर आएगा, कितने लोगों का ये आंसर था, यही हमारा आंसर सर, मेरा यही था बस, 11 सर मेरा करेक्ट आया, करेक्ट है सभी का? यस सर। एक काम करें, इसको हम लोग वन नोट में करें ताकि सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। यस सर, सीधे सॉल्यूशन। तो उसको फिर मैं सेंड भी कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा भूल जाता हूँ उसको सेंड करना, बट इसको मैं करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ी से बेटर हो जाएगी, वन नोट में कर देता हूँ उसको, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन नाम देता हूँ उसका, कितने तारीख को हुआ था, 20 तारीख को ना, 26 to 20, ठीक है जी, ठीक है। तो पहली चीज को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बताओ, 11x2 -41x - 12, 41, अच्छा 41 है सर, -41, हाँ, और प्लस सर -12। तो हमने क्या किया था, 11 और -12 को मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा यार कोई फैक्टर बन सकता है, तो ये बन गया आपके पास +44, और ये -3 का फैक्टर बना, ठीक है। अब हमने इसको स्प्लिट किया था तो 11x2 हो गया, -44 और +3 आ रहे हैं ना, हाँ यार सॉरी सर, -44 और +3 सर, ये -44 और +3, ठीक है। तो हमने इसको स्प्लिट किया तो ये -44x और ये +3x और ये -12। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हानि ले सकते हैं, मैंने बोला 11x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x -4, यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 3 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x -4, तो यहाँ से x -4 x -4 कॉमन आ गया, तो x -4 कैन बी द कॉमन, तो यहाँ से x -4 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 11x +3, ठीक है। यही हमारा आंसर था, दिस वाज ए पार्ट, ठीक है। चलो दो दो बार कर दिया आप तो आ जाओगे समझ में, अंडरस्टूड एवरीवन? यस करके रिस्पॉन्ड दे दीजिए, यस सर। नाउ लेट्स गो फॉर बी क्वेश्चन। बी में कितने लोगों को डाउट है, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डाउट इन बी, बी में कितने लोगों को डाउट है? नो डाउट सर, देखिए सर डाउट नहीं है।
रूट थ्री एक्स स्क्वायर देख लेते हैं, जिसको भी डाउट है बताना, आप लोग बताओ क्या है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 11x प्लस 6 रूट 3, सर 18, सर 18 आएगा, 11x प्लस 6 रूट, यस सर, रूट 3 इनटू 6 रूट 3 अब इक्वल टू इसको 20, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 और 6 रूट 3, तो रूट 3 इनटू 6 रूट 3 को मल्टीप्लाई किया, तो रूट 3 इनटू रूट 3 3 आएगा, एंड 3 इनटू 6 क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो 18 को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि 11 आ जाए, बताओ 18 को सर कुछ 9 प्लस और 2, 9 एंड प्लस 2 है ना, क्लियर यस सर, है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे सब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x2, इसको लिखेंगे 9x और ये प्लस 2x और ये प्लस 6 रूट 3, ठीक है। सर हाँ रूट लिखना जरूरी है, रूट 3, क्यों नहीं लिखेगा, यहाँ पे रूट 3 ऑलरेडी है तो लिखेगा नहीं क्या, क्यों नहीं लिखेगा, ये तो क्वेश्चन ही है ना, सर क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ी चेंज करना है। मैंने रूट 3 और रूट 3 को कॉमन ले लिया, रूट थ्री कहाँ कॉमन आएगा, कॉमन थोड़ी है इसमें, यस कॉमन है सर, क्या, रूट थ्री नहीं है ना इसमें कॉमन, रूट थ्री कॉमन नहीं ले यस सकते। सर, अब ये दोनों फैक्टर, इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे रूट थ्री और यहाँ पे 9 है, बताइए। हाँ सर रूट 3 x कॉमन ले लिया, यहाँ पे रूट थ्री और यहाँ पे 9 है, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो अगर बोलोगे सर ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये रूट थ्री और ये 9 है, लेकिन अगर आप थोड़ा सर सा नाइन ध्यान इज से इक्वल देख, टू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, हाँ जी, अगर आप 9 को देखोगे तो ये 3 इंटू 3 है, और बेसिकली 3 क्या है, 3 है रूट 3 इंटू रूट 3, और इसको 3 को मैंने एज इट इज लिखा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये जो 3 था इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा है रूट 3 इंटू रूट 3, समझ में आया क्या सभी को, तो मैं इसको क्या लिख सकता यस हूँ, सर, मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 3x कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं रूट 3x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स, और बताओ 9 में से अगर मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 3 रूट 3 नहीं बच जाएगा, 3 रूट 3, 3 रूट 3 बचेगा, समझ में आ रही बात, सभी को बात समझ में आ रही है, सिर्फ कुछ ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग बताइए, ठीक है गर्ल्स जो भी हैं बताइए जल्दी से फटाफट, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6 रूट 3 है, तो यार 2 और 6 में कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे सर बचेगा एक्स, तो यहाँ पे बचेगा 3 रूट 3, अब आप एक्स प्लस 3 रूट 3 को कॉमन ले सकते हो, क्यों, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा रूट 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2, ये हो गया ट्राइस्टेशन कंप्लीट, तो ये हमारा आंसर है। ये था पहला क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है सभी को, नाउ लेट्स सी द यस सेकंड सर, क्वेश्चन, यस सर, बोला है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन जीएक्स इज फैक्टर ऑफ एफएक्स, आपको रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है और चेक करके बताना है कि फैक्टर होगा नहीं होगा, फैक्टर थ्योरम बोलो रिमाइंडर थ्योरम बोलो सब सेम ही है, तो सर यहाँ जी एक्स पे और एफ एक्स, हाँ जी x³ - 3x² बताना क्या क्या लिखा हुआ है, fx बताओ जल्दी से क्या है, x³ - 3x² 3x³ प्लस फोर एक्स 3x² प्लस फोर एक्स माइनस माइनस 4 है ना, प्लस 4x और ये -4, और gx क्या है, gx है आपके पास -2, x-2, x³ - 3x² प्लस 4x - 4, हाँ जी x-2, ये आप लोग बताते चलना, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, नेमिंग तो हो गया, तो सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे सीधा पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, याद रखो जी एक्स एक्स जीरो सर, की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इज इट क्लियर, अभी जो टू 2 की वैल्यू आती है ना तो आप क्या निकालते हो रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर विल बी गिवन बाय ये वाली वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करते हैं f(2) में, ये वाली वैल्यू निकालते हैं f(2), ये रिमाइंडर है आपके पास f(2), f(2) है क्या, f(2) निकालिए फटाफट, अगर f(2) निकालेंगे x की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 का³ - 3 × 2 का² प्लस ये हो जाएगा 4 × 2 और ये हो जाएगा -4, 2 का³ कितना होगा 8, 2 का² 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, और 4 2 8 और ये -4,
होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 8 + 8 = 16 सर। और -12 - 4 - 16, तो +16 - 16 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। यू कैन से दैट हियर रिमाइंडर इज 0, हियर रिमाइंडर इज, हियर रिमाइंडर इज 0। जीरो सर, जीएक्स इज फैक्टर ऑफ एक्स, जीएक्स इज फैक्टर, जीएक्स इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया पहला। आई होप इतनी बात सर। दूसरा वाला इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। हाँ जी, हाँ बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। सर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला पार्ट लिख लेते हैं। यस सर। तो ऊपर वाला ही f(x) है, बस लास्ट में -12 है। अच्छा जी, बताओ 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 मेरे को b वाला पार्ट बताओ। x क्यूब, x क्यूब सर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, कोई एक बताओ। x क्यूब, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, हाँ प्लस 4x, प्लस 4x माइनस 12, माइनस 12। जी x बताओ, माइनस 12 gx बताओ, x minus 3 sir, gx x plus x sir, x plus plus, plus 3 है sir, plus 3, plus 3 okay। ये आपके पास plus 3, ठीक है। अब सबसे पहला बात हम क्या है, पुट g of x से भी पूछ रहे हो, ठीक है। g of x को क्या पुट कर देना है, 0 को। जब आप जीरो एक्स को जीरो पुट करोगे, x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर विल बी गिवन बाय f ऑफ माइनस 3। इसको निकाल लेते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इनटू सॉरी माइनस 3 और माइनस 12, ठीक है। माइनस थ्री स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 है ना, 27, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 12 और ये हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। यहाँ तक की बात देखो, अगर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 जो 27 आ गया, और ये हो गया माइनस 12, माइनस 12 क्लियर है यहाँ तक। तो हो गया 9 और माइनस माइनस माइनस, बोलो बोलो सर, यहाँ पे आपके 9 कैसे आए वहाँ पे? तो सर की माय मिस्टेक, ठीक है, यस सर, हो सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 27, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस 27, तो ही गया अभी, ठीक है ना, ओके। माइनस 3 अभी माइनस 27 और ये माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 है 27, तो माइनस 27 और ये माइनस 12 और ये माइनस 12, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, दिख ही रहा है आपको, माइनस 27 माइनस 27 माइनस 54 और ये हो जाएगा माइनस 54 और ये हो जाएगा माइनस 36 सॉरी माइनस 24 माइनस 24, तो 4 4 8 और 5 हो तो 7, तो माइनस 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 78। आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जी एक्स इज, जी ऑफ एक्स इज नॉट ऑफ फैक्टर, नॉट ऑफ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है जी? इज इट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अच्छा जी, आइए थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए for which x plus a is factor of the polynomial। ऐसा बोला है मतलब remainder 0 होगा। आप लोग कोई एक व्यक्ति ने बस value of polynomial बताया क्या है? Yes, तो सर बताइए आप। Question number 3 है ना? इसमें कितने part? 3 में एक दो part है। आइए 3 का first बताइए। x x cube plus ax square minus 2x plus a plus
ए प्लस फोर, जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए है, ठीक है। ये आपके पास इसका मैंने नाम दे दिया, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस फोर, है ना, प्लस ए प्लस फोर है। और ये है आपके पास एक्स प्लस ए है, ठीक है। आइए सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि बोला है कि ओके जी एक्स इज, बोला ओके है जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसलिए पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे। एक्स प्लस ए को जीरो पुट करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस। अब आपको बोला है जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स की जगह पे माइनस ए पुट करोगे, ये तो बताता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। क्या ये बात समझ में आई सभी को? डू यू अंडरस्टूड दिस? पी ऑफ माइनस ए क्या निकलेगा, ओके रिमाइंडर निकलेगा, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। क्यों? बिकॉज जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का, जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, ये तो मैंने आपको बताया था। तो एक्स की जगह पे माइनस ए पुट कर लीजिए, यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस ए पुट करिए, तो माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स की जगह पे आपने माइनस ए पुट कर दिया, एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, माइनस ए पुट कर दिया। ये आपके पास ए एक्स की जगह पे आपने माइनस ए पुट कर दिया, माइनस टू एक्स की जगह पे आपने माइनस ए पुट कर दिया, प्लस ए ये प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए क्यूब, और ये माइनस टू और ये प्लस ए, ठीक है। माइनस ए क्यूब इक्वल टू माइनस ए क्यूब होगा भाई, माइनस ए क्यूब होगा ना, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस टू ए। सर, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये कैंसल हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो टू ए प्लस ए आपके पास आ गया, टू ए प्लस ए थ्री ए, यानी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, थ्री ए की वैल्यू आ रही है माइनस फोर, तो ए की वैल्यू आएगी माइनस फोर बाय थ्री। तो इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है, ठीक यस सर, है। तो -4/3 आया है करेक्ट। है चलो बढ़िया, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। किसका डाउट था यार, क्लियर हुआ सभी को? तुषार मेरा गलत हुआ, आरोप नहीं लगाया ये सर, जी एक्स फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए क्यू माइनस ए ना, अरे माइनस ए क्यू माइनस ए नहीं भाई, माइनस ए क्यू माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तुषार सर माइनस ए का क्यूब तो ए माइनस ए ही आने वाला है ना, तो मैंने डायरेक्ट माइनस ए ही लिख दिया कौन था। बोला तुमको, हु टोल्ड यू कि माइनस ए का क्यूब माइनस ए आने वाला है, कि माइनस ए का क्यूब माइनस ए क्यूब आने वाला है श्रीमान, ठीक है। यस सर, समझ में आया? जैसे मैं बोलू माइनस टू का क्यूब कर दो, तो क्या करेगा, माइनस टू का क्यों करेगा, तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू क्यों करेगा, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और टू का क्यों करेगा कि नहीं करेगा, माइनस एट करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आई बात? यस सर। सर इन स्कूल लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम, तो बढ़िया है, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो गए तुम्हें, बढ़िया है, फिर नहीं आएगा तो। ये दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, सर ये आता तो वाला अच्छा होता। बी वाला है एक्स, हाँ बताओ जल्दी से बी पॉलिनोमियल बताओ, बोलो जी पी एक्स सर नाम। मैं आई टेल अथर्व भोसले। सर यस सर प्लीज टेल, x^4 एक्स रेस टू दी बार फोर माइनस a² x² ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यस सर प्लस 3x-6 है। ठीक है। और जी ऑफ एक्स तो आपके पास एक्स प्लस है, ठीक यस सर x+ है। है। तो पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अपना तो वही काम है, एक्स प्लस ए की वैल्यू जीरो आएगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस से आने वाली है। आपको बोला है जी एक्स इज फैक्टर
और पी ऑफ एक्स, इसलिए आपका जो माइनस ए निकालोगे कहाँ पे पुट करोगे, पी ऑफ माइनस ए में पुट करो, एक्स की जगह पे माइनस ए पुट करोगे, ये वाली वैल्यू आएगी जीरो। बस इसी को हम जीरो पुट कर देते हैं, कर देते हैं जीरो, तो पी ऑफ माइनस ए क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, सो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से माइनस ए का पावर आ जाएगा फोर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस ए का पावर आ जाएगा टू, और ये प्लस थ्री एक्स की जगह पे आएगा माइनस ए, और ये माइनस सिक्स ए, इसकी वैल्यू आएगी जीरो। ये आ जाएगा माइनस ए का पावर फोर, और ये देखिए ये प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए यार सर, प्लस ए इसके फोर गड़बड़ झाला हो जाएगा भाई, क्या जाएगा माइनस ए रेस टू दी पावर फोर, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री ए, और ये माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव हो जाता है ना। अरे ये गड़बड़ कैसे कर दिया, सही तो है, सही तो है भैया, ये प्लस ए का पावर फोर हुआ। ठीक है अभी ठीक है, ये कैंसल हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री ए माइनस सिक्स, प्लस माइनस थ्री ए माइनस सिक्स है, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री ए सॉरी माइनस नाइन ए, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। आज इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, व्हाई आई एम डूइंग सर ए इज इक्वल टू माइनस जीरो अपॉन नाइन, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है जीरो अपॉन माइनस नाइन, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, समझ में आया सभी को सर, जीरो अपॉन माइनस नाइन लिखा तो भी चलेगा ना, तो जीरो अपॉन माइनस नाइन क्या होता है, जीरो ही तो होता है, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, लेकिन जीरो अपॉन माइनस नाइन भी नहीं, आधा मार्क्स कटेगा बेटा, आधा मार्क्स कटेगा। ठीक है जीरो अपॉन माइनस नाइन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है यस सर, ठीक है चल तेरे को दे देंगे मार्क्स, ठीक है चल मार्क्स मेरा पूरा, थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए सर, मेरा माइनस वन बाई नाइन आया सर, मेरा माइनस नाइन ए इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन उसके बाद माइनस वन बाई नाइन आया, क्यों भाई ऐसे कैसे आया तुम्हारा बताओ। सर सबसे पहले मैंने ए को अलग किया ना, माइनस नाइन इंटू ए, तो माइनस नाइन इज इक्वल टू वन बाई ए हो गया, फिर मैंने उसको मतलब सॉल्व करने का, समझदार लगता है तो समझदार है, ठीक सर मुझे समझ नहीं कि उसको कैसे करना है। माइनस नाइन इंटू ए को जीरो लिखा, ऐसे किया ना तूने, यस सर, हाँ यस सर, ए को लिखेगा जीरो अपॉन माइनस नाइन लिखेगा ना, ये वन कैसे होगा सर, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने माइनस नाइन को उधर ही रखा और जीरो अपॉन ए किया, फिर माइनस नाइन को उस तरफ ट्रांसफर किया, तो ऐसे, हाँ तो जीरो अपॉन ए तो जीरो होगा ना, वन मैं सर ए तो सर ए वन के साथ है ना, तो फिर ए का वन उधर जाएगा ना, वन अपॉन माइनस नाइन इधर जाएगा सर, ए के साथ वन है ना, हाँ ए के साथ वन सर, है तो फिर सर सर ए के साथ वन थोड़ी होगा, थ्री ए माइनस थ्री ए माइनस सिक्स माइनस नाइन नहीं हो जाएगा ना, आप ऐसे बोल रहे हो ना, यस सर, तो सर तो उसको आगे सॉल्व करने के बाद वन बाय माइनस नाइन ही आएगा, कैसे वन बाय माइनस नाइन आएगा बताओ, जीरो अपॉन नाइन क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो सर, उसने ए इनटू वन वन का जो वन है, आपने क्या गलती करी है, आप इसको ऐसे कर रहे हो कि इस प्लस वन को इधर भेज रहे हो, बराबर है ना, है ना, यस सर, इसको आपको ऐसे भेज रहे हो, ये प्लस वन को इधर भेज रहे हो, माइनस वन कर रहे हो, और ये माइनस नाइन कर रहे हो ना, कैंसिल कर रहे हो, यस सर, ठीक है, तो बेटा ये प्लस में है, ये प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में होता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जैसे अगर आपके पास है थ्री ए इक्वल्स टू फाइव है, तो ए की वैल्यू को क्या लिखते हो, फाइव माइनस थ्री लिखते हो क्या, नहीं ना, ए को क्या लिखते हो, फाइव बाई थ्री लिखते हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस सर, अंडरस्टैंड है, थ्री माइनस नहीं होगा यहाँ पे जाके, बिकॉज जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, देखो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, और प्लस का उल्टा होता है, बोलो ना, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, माइनस, प्लस वाली चीज माइनस बनेगी, माइनस वाली चीज प्लस बनेगी, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाली चीज क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है, तो इसको कैसे भी करेंगे इसका आंसर जीरो ही आएगा, समझ में आई बात, यस सर, इसका आंसर यही होगा।
ठीक है जी, आगे बढ़े। यस सर। चलो 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 चलो, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर चाहते हैं 4 पे। द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोगों को कष्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग कष्ट? कितने लोगों को समस्या सर फोर्थ क्वेश्चन कितने लोगों को समस्या सर बस इतना बता दो, एंड की जगह पे प्लस आएगा ना? इतना तो मेरे को नहीं पता, पूरा ही सॉल्व करता हूँ। देख तो ऐसे कैसे पूछता है, बताऊंगा, देख पूरा बताता हूँ। अच्छा मेरा वही टेंशन दिमाग में घूम रहा है। अभी देख, तेरे टेंशन को हवा करता हूँ मैं और तेरी पिटाई भी साथ साथ चलेगा, तुम्हारी पिटाई भी होगी। नो सर। चलेगा नहीं चलेगा यार, हमें तो चलाना है तुम्हारी पिटाई को। कॉपी नहीं हुआ क्या पूरा? तो किसी काम का नहीं हुआ ये तो। सर मैंने पहले पहले पॉलिनोमियल का अलग किया और दूसरे पॉलिनोमियल का अलग किया। देखो बताते हैं, चलो आपने थोड़ा सही किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द पॉलिनोमियल के एक्स क्यू प्लस 3x² - 3। के एक्स क्यू, प्लस 3x² - 3 मान लेते, ये पहला पॉलिनोमियल ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? अच्छा दूसरा पॉलिनोमियल है 2x³ - 5x + k। 2x³ - 5x + k ये दूसरा पॉलिनोमियल, कुछ नाम देना पड़ेगा, मान लेते इसका नाम देते हैं एफ एक्स ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय x - 4, और जी एक्स का नाम देते हैं x - 4 ठीक है। सेम रिमाइंडर दे रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लीव द सेम रिमाइंडर, गिव सेम रिमाइंडर, गिव सेम रिमाइंडर। पहले देखो सब चीज सही लिखा हुआ है, पहले देखो सब सारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ठीक है, बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने नोट डाउन करने में कोई गड़बड़ तो नो नहीं है? सर। ठीक है करेक्ट नो सर। है। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, देखो क्या करना है आपको, बोला है कि इस वाले पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करते हो, मतलब एट ए टाइम आपको लेना है पी एक्स और जी एक्स, ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये है KX³ + 3X² और ये -3, और जी एक्स क्या है X-4। जब इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर जब इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आता है वो निकाल तो ले पहले कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? जब इस वाले पॉलिनोमियल को, जब पी एक्स को जब डी एक्स से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही सेम रिमाइंडर आता है जब एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं। डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? तो आप फिर यही काम करेंगे, पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0। अरे बोलो ना, रिप्लाई करो, क्वेश्चन समझ में आया? ये हो जाएगा यस एक्स सर। प्लस 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर रिमाइंडर होगा पी ऑफ 4, और ये पी ऑफ 4 होगा कितना, तो के इंटू 4³ + 3 × 4² - 3 ये होगा। मतलब अगर आप इसको रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो 4³ हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा के, 4² हो जाएगा 16 और 3 = 48 और ये -3, मतलब हो जाएगा 64 के और ये +45 होगा, ये रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर होगा। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत है? एनी कष्ट इज देयर इन योर लाइफ टिल हियर? नो सर। अब देखो क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि जब आप इस वाले पॉलिनोमियल को, किस वाले पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हो ठीक है। देखो इधर
अब आप क्या कर रहे हो कि नाउ यू आर डिवाइडिंग 64 माइनस 45 क्यों होगा भाई, 48 माइनस 3 प्लस 45 होगा ना, और ये के है ना, के है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, 4 का क्यों क्या हो जाएगा, 64 के हो गया, सिर्फ 64 नहीं है ना, 4 घोड़ा माइनस 5 आम, क्या होगा, क्या घोड़ा और आम में कोई सब्ट्रैक्शन है, घोड़ा और मैंगो में कोई सब्ट्रैक्शन होगा नहीं ना, तो ये मैंगो है और ये घोड़ा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। एफ एक्स देखिए, एफ एक्स है आपके पास 2x³ - 5x+, और बोला है जब एफ एक्स को जब तुम जी एक्स से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, आपका रिमाइंडर वही आता है जो पहले आया था, सर इट इज बोलो प्लस की बोलो, सर 2x³ - 5x+ k है सर, आपने प्लस 4 लिखा है। अच्छा, प्लस के है ना, अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आप फिर क्या करेंगे, पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो जी ऑफ एक्स 0 पुट किया तो x-4 हो जाएगा, तो आपको मिला x=4। अब आप रिमाइंडर निकालोगे, क्या निकालोगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 को यहाँ पे पुट करेंगे, f(4) निकालेंगे, जब f(4) निकालेंगे तो 2 × 4³ - 5 × 4 और ये प्लस के, मतलब 4³ कितना होगा, 64, और 2 जो 128, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, -5 4 जो 20 और ये प्लस के, जब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 108+k, ठीक है, ये रिमाइंडर आया, दिस इज योर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आया, समझ में आ रही बात, इज इट क्लियर, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, तो जो पहले रिमाइंडर आया और जो बाद का रिमाइंडर है वो दोनों इक्वल है, जो पहले रिमाइंडर आया और जो बाद का जो रिमाइंडर है दोनों क्या है, इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले रिमाइंडर कितना आया था, पहले रिमाइंडर आया था 64। सर रिमाइंडर भी जो था वो बताना था आंसर में। हाँ तो अभी देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं, पहले रिमाइंडर क्या था, 64k+, अब रिमाइंडर कितना है, 108+k, ये दोनों को बोला है कि इक्वल है, समझ में आ रही बात सभी को, 64k और ये k, 64k और ये माइनस के, और ये हो जाएगा 108 - 5, तो ये हो जाएगा 64k - k, तो ये हो जाएगा 63k, और 108 - 45, बताओ कितना लगा, सर हमने सेम किया है और दोनों के बीच में प्लस लगाया, प्लस क्यों लगाया, दोनों बोला है सेम होगा ना, 108 में से 45 को माइनस कर, 8 - 5 आ जाएगा 3, ठीक है, और 63 आ जाएगा, ठीक है, इज इट क्लियर, तो ये आ जाएगा 63, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट, 1, इज सर इट मैंने जी क्लियर, ऑफ एक्स एंड एफ एक्स दोनों भी सेम निकाला और लास्ट का बस आंसर गलत आया है। हाँ तो ऐड क्यों किया, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा ना, उसने क्या बोला कि दोनों का रिमाइंडर क्या सर सेम, अब देखिए सर मैंने क्वेश्चन, क्या किया, जो अपने पहला पॉलिनोमियल दिया है ना k³, उसका और जी एक्स का किया और उसकी k की वैल्यू निकाली, और सेकेंड टाइम में 2x³ का k की वैल्यू निकाली। नहीं तो k की वैल्यू पहले से कैसे निकाल सकते हो, हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पहले सर नहीं सर, मतलब है में ना, आप हम आपने जो 64k दो प्लस पॉलिनोमियल दिए 45, ना, हाँ 64k + 45 क्या, यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर आपने जो पहले दो पॉलिनोमियल दिए ना k³ + 3x² - 3, उसको मैंने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आज लिया और उसको जी एक्स के साथ जब उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तब k = -45/64, वो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर है। वैसे मैंने सेकंड नहीं में कर भी सकते उस ना, टाइप में, नहीं कर सकते, इसको आपने 0 पुट किया होगा, आपने इसको 0 पुट किया तो 64 के यस की सर वैल्यू पहले माइनस फोर्टी भी फाइव वही किया था। तो k की वैल्यू -45/64 ये बोल रहे हो ना, तो तुमने पता है क्या किया, तुमने इसको यस क्या सर किया, तुमने क्या किया कि रिमाइंडर को 0 पुट कर दिया, रिमाइंडर को 0 पुट किया ना, देखो
64 के तुमने ये किया था, मैं बताता हूँ। यस सर, वही किया सर। तो रिमाइंडर जीरो नहीं बोला है ना, बोला है रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जो fx को जो gx से डिवाइड करने थे है, वही fx को मतलब px को gx से डिवाइड करने थे। तो रिमाइंडर जीरो नहीं बोला, तुमने क्या कर दिया 64k प्लस 45 ये जो आया तुमने इसको जीरो पुट कर दिया। ये तो रिमाइंडर आया था और इसको तुमने क्या पुट कर दिया जीरो, तो रिमाइंडर जीरो तो बोला नहीं है ना, गलत हो जाएगा। They have not told you the remainder zero. और अगर आपने remainder zero put किया, तो फिर यहाँ पे minus 45 shift कर दिया, तो k की value minus 45 upon 64 निकला। यही बोलना चाह रहे हो? ये गलत है। Yes sir. ठीक है? Is it clear? Because question में देखो clearly बोला है, question में remainder zero नहीं बोला है, question में it is clearly given. क्या दिया है भैया, देखो पढ़ो, साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि द पॉलीनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब इस वाले पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आएगा, और इस वाले पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आएगा, और दोनों में सेम रिमाइंडर आ रहा है। मतलब जो पहले केस में जो रिमाइंडर आया था और जो दूसरे केस में जो रिमाइंडर आ रहा था, ये दोनों रिमाइंडर सेम होंगे, और ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप एक इक्वेशन बना के निकाल पाओ। समझ में आई बात रिमाइंडर नहीं बोला है। अगर रिमाइंडर बोलता अगर रिमाइंडर बोलता कि बाबू रिमाइंडर भी निकालो, तो देखो दोनों से केस में सेम रिमाइंडर आता। देखो अगर वो बोलता ना कि रिमाइंडर भी निकालो, क्या बोलता हूँ कि रिमाइंडर भी निकालो, तो क्या करते तुम रिमाइंडर निकालने के लिए, क्या करते तुम रिमाइंडर निकालने के लिए, k की वैल्यू को पुट कर देते। रिमाइंडर कितना आता, अगर आप इस वाले से देखोगे तो 64k प्लस 45, k की वैल्यू तो 1 आ चुकी है। अगर बोला नहीं ऐसा तो ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अगर बोलता तो क्या करते, तो कितना आता भाई 5, 4, 9, 6, 4, 10 109 रिमाइंडर आया। अगर अभी इससे निकालते तो k की वैल्यू 1 पुट करते, तो देखो इससे भी 108 प्लस 1 ये क्या आ जा रहा है 10, दोनों से क्या सेम रिमाइंडर आ रहा है, अब जस्टिफाई भी हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई, do you understood this? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes sir. सभी लोग बताओ जल्दी से, कोई confusion तो नहीं है, कोई confusion तो नहीं है? No sir. चलिए अब हम आगे बढ़ें। आइए question number 5, find the remainder when this is divided by my long division. Long division से आपको remainder निकालना है, जल्दी से फटाफट मेरे को remainder बताएंगे, हम start करते हैं। बताओ question number वाला करें 5। बताओ यार divisor बताओ, x square divisor बता रहे हो, हाँ x square minus 3x minus 3x प्लस टू प्लस टू। डिविडेंड बताओ 2x। हाँ सर एक मिनट, 2x की पावर 4 सर 4 ऊपर माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन करेक्ट है? यस सर। सर गलत है? हाँ अभी ठीक है। यस सर। देखो कुछ नहीं करता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x रेशियो की पावर 4, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, पहले वाले टर्म्स पे ही प्राप्त करना है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये 2x रेशियो की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x रेशियो की पावर 4। क्लियर है? ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 6x क्यूब। ठीक है जी, और ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नहीं करो। ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 6 और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया है भैया, तुम्हारे तो मजे हो गए। यहाँ पे माइनस प्लस 3x स्क्वायर और ये ओरिजिनल साइन हो गया माइनस,
तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस थ्री एक्स और ये माइनस टू तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे माइनस तो माइनस कर लीजिए माइनस वन हो जाएगा है ना समझ में आ रहा है सभी को माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स ये प्लस माइनस और ये प्लस तुम्हें चार मार्क्स लग रहा है फ्री के मिल गए कितने मार्क्स का क्वेश्चन था सर बिल्कुल सेम आंसर है सर बढ़िया भाई तू मिठाई खिला ले जल्दी मिठाई खिला ले नो सर मैं दो नहीं खिलाएगा ठीक है क्लियर है इज इट क्लियर यस सर आगे बढ़े yes, आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स तो सभी लोगों ने सही किया होगा फाइंड द डिग्री डिग्री क्या होती है हाईएस्ट डिग्री थ्री है पहले वाले की डिग्री कितनी है थ्री थ्री दूसरे वाले की टू टू तीसरे वाले की वन जीरो जीरो क्या सभी का यही आया हाईएस्ट पावर देखना था सर ये तो बोलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सर डिसेंडिंग ऑर्डर सर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर है हाँ थ्री टू वन जीरो है ना आगे बढ़ा जाए यस सर चलो नेक्स्ट सर फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट वन है जो गलत बोलेगा उसको बड़ी सजा मिलेगी बताओ एक्स के वाले कोफिशिएंट क्या है वन है बताओ दूसरे वाले में बताओ सर इसकी कोफिशिएंट है 1/4 सर 1/4 है इसका पूछ रहा है हाँ सही है हाँ तीसरे वाले का कोफिशिएंट बताओ सर -1 1 कौन बोला सर तुषार 1 हाँ, बोला पकड़ के लाओ उसको पकड़ के लाओ तो ऑनलाइन पिटाई करेंगे नो सर यहाँ से देख माइनस दिख रहा है माइनस यस सर ठीक है आगे बढ़े सर अगर गलत हुआ तो कितने मार्क्स कटेंगे आगे वाले का आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन डी में बताओ सर टू टू है एक्स क्यू का क्वेश्चन क्या है टू है ई सर अभी इसका वाला वन बताओ एक्स क्यू का क्वेश्चन वन सर वन और इसका कोफिशिएंट एक्स यू आ गया 5 सर 5 ठीक है चलो सर ये तो सही है यस सर आधे देखो 6 क्वेश्चन थे इसके छोटे छोटे आधे मार्क्स थे ठीक है तो 3 मार्क का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डिवाइड द पॉलीनोमियल दिस बाय एक्स माइनस वन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर बताओ जल्दी से पॉलीनोमियल को यस सर मैं बताता तुषार बताओ जी क्वेश्चन नंबर बताओ 8 है ना यस सर बताओ सर एक्स माइनस वन यस सर एक्स माइनस वन एक्स क्यूब -27 स्क्वायर +18 +8x+18 है ना इसी को सही कर yes, +8x और ये +18 ठीक है आइए देखिए यस सर अब बताओ पहला वाला टर्म यहाँ पे x है और यहाँ पे x square हो जाएगा ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x square into x तो ये हो जाएगा x cube -1 into x square -x square इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया -27x square +x square कितना हो जाएगा -26x square
और ये हो जाएगा प्लस 8x प्लस 18, बताओ ये स्टेप क्लियर है? इस दिस यस सर। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस 26 है, ये जाएगा माइनस 26x, क्लियर है जी? हो गया माइनस 26x, क्लियर है यहाँ तक? बस आपको माइनस 26x स्क्वायर चाहिए था, तो x आई ये हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई करते लीजिए, तो ये जाएगा माइनस 26x स्क्वायर और ये माइनस 26 इंटू माइनस 1 देगा प्लस 26x, ठीक है? ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8x माइनस 26x माइनस 18x आ जाएगा और ये प्लस 18 है, बताइए किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस 1 से, सॉरी माइनस 18 से, ये हो जाएगा माइनस 18x और ये माइनस माइनस प्लस 18, बताओ प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल जीरो आ रहा है, कितने लोग का ये आंसर आया है? हम इसे गॉट दिस आंसर सही तुषार आया है, सदीप आंसर सर, शिवम शिवम, ठीक है, पेपर बहुत इजी सर, कितने मार्क्स का दिखा दो एक बार, 8th क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स, ठीक है, कितने लोगों को पेपर इजी लगा था सर? थोड़ा थोड़ा 80%। हार्ड था, इसको हार्ड बोलते हो? नो सर, सिली मिस्टेक्स बहुत हो गई। क्यों करता है सिली मिस्टेक्स? नहीं करने का ना, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए सर। अभी इस लेसन की और एक टेस्ट होगी ना फुल वाली, अभी एक टेस्ट और होगा इसके ऊपर, ठीक है, इस वीक में जो पढ़ेंगे ना सर उसमें और अच्छा करेंगे। एक टेस्ट और होगा इसके सर, उसमें और अच्छा करेंगे। यस यस, नेक्स्ट टाइम आपको बेटर करना है। मेरा मोबाइल का कैमरा खुला हुआ है, मैं देखो बंद कर देता हूँ, स्क्रीन ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, पता नहीं क्यों ब्लू दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यस सर, ब्लू दिख रहे हो आप, आपका बैकग्राउंड भी दिख रहा है पूरा। अच्छा सर, कैमरे पे देखो इंक लगी है क्या? इंक? यस सर, मेरे साथ एक बार हुआ था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है ना, तो मैं कलरफुल दिख रहा हूँ, और क्या चाहिए बताओ? सर ब्लैक एंड व्हाइट दिखना चाहिए था। अच्छा, आप खतरनाक आदमी यार, तू ऐसे कैसे बता जल्दी से, ऐसा कैसे? आज का एक घंटा तो ये खत्म हो गया, एक घंटा यूजफुल रहा नहीं रहा, पहले ही बता सर। रहा सर, जो जो गलत थे तो समझने को आ गया, इसलिए तो पेपर डिस्कस करता हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अरे अभी विजिबल होगा, विजिबल किया ही नहीं इससे पहले। थाम्बा थाम्बा, मराठी में क्या बोलते हो? थाम्बा बोलते हो तुम लोग? सर मेरे को ही नहीं पता, मैं मराठी नहीं हूँ। नहीं है तो सीख ना, कहीं से पा रहा है यार, तो देख मेरे को भी नहीं आता, मैं भी कुछ बोल के सर थाम्बा ही बोलते हैं सर, थाम्बा बोलते हैं ना, सिखा यार इसको, कैसा बाल है, कितना कितना सिंपल मराठी है, हिंदी टाइप तो है नहीं। यस सर, लिपि दोनों की सेम है, गुजराती की लिपि सर देवनागरी, हाँ सर देवनागरी, बंगाली और इसकी, तीनों की लिपि सेम है, सर हिंदी से अडॉप्ट हुआ है। सही है जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अलग चीज, अलग चीज नहीं, लास्ट वाला जो एक्सरसाइज बचा हुआ उसको देखेंगे। हेडिंग पुट करिए आइडेंटिटीज, क्या हेडिंग पुट करोगे? आइडेंटिटीज, पुट द हेडिंग आइडेंटिटीज, कर लिया हेडिंग पुट? सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अभी तो मैं विजिबल करवा देते हैं, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम,
देखो खुल गया सब से ठीक है। यस सर। हेडिंग पुट करो अभी आइडेंटिटीज। क्या हेडिंग पुट करना है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हेडिंग पुट करिए ठीक है। देखिए कुछ हमारे बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं, टोटल 9 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है ठीक है। कितनी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है? 9 आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज आप पहले से ही जानते हो, जैसे पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बताओ क्या होता है, बताओ कौन बताएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ कौन बताएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है पहले भी? नहीं पढ़ा है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? मॉडिबल यस सर। तो ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है नहीं पढ़ी है? हैव यू रेड दिस आइडेंटिटी और नॉट? यस सर, आप ही ने पढ़ाई थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अगर मैं इसको डिराइव करना चाहूँ ना तो बड़ा सिंपल है इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल है। कोई बोले इसको डिराइव करके दिखाओ तो देखो ए प्लस बी का होल डेरिवेशन होता है क्या? क्या सर, मैथ्स में भी डेरिवेशन होता है? हाँ, डेरिवेशन मतलब प्रूफ। ठीक है, डेरिवेशन मतलब प्रूफ। डेरिवेशन को ही प्रूफ बोलते हैं ठीक है। इसका देखो प्रूफ कैसे करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी दो बार मल्टीप्लाइड है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा ठीक है। तो बी इंटू ए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी ए को क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। और ए इंटू बी क्या हो जाएगा? सॉरी बी इंटू सॉरी सॉरी ए इंटू बी ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी। तो ये हो गया बी इंटू ए बी ए और बी इंटू बी बी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। बी इंटू बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? तो इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा? ए बी और ए प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात सभी को? इज इट क्लियर? तो ये आइडेंटिटी याद रहेगा, ये आइडेंटिटी याद रहेगा। यस सर। सर पिछले साल भी था ये? हाँ जी। अभी एक मस्त चीज बताता हूँ तुम्हें, दूसरी चीज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ जल्दी से। सर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए प्लस बी स्क्वायर। जादू दिखा, देख कितना परफेक्ट स्क्वायर बना है। देखा? यस सर, वो ऊपर से बन जाता है। अभी देख परफेक्ट बनेगा एकदम। सर वो शेप का ऊपर लिखा हुआ है इन टू शेप। अरे वो जादू है सर, वो वन नोट टाइप अपने आप कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखते तो अपने आप उसको परफेक्ट कर लेते। अरे वाह, समझ आ रहा है। सर भी आपने वाला भी कर दिया है ना, मस्त टाइप दिख रहा है। आ जाओ, ये दो हो गया जादू। हाँ जादू ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर आपकी हालत बहुत ही खराब है, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? यस सर। हाँ सर। यस ठीक है, तुम्हें तो मजे में पढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? सर इतने भी खराब नहीं है, थोड़ा सा ओवर जरा नहीं है सर, अच्छी है मतलब ठीक ठाक जरा जरा हो गया है ना। चलो ए प्लस बी का होल क्यूब ठीक है। हमने सोचा ऑफ ले लेते हैं, हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो बेटर हो जाएगा ठीक है, कुछ हंसी मजाक करते हुए पढ़ लेंगे तो सही रहेगा हेल्थ ठीक है। चलिए देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है।
आप ए प्लस बी का होल क्यू जो है इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसको भी डिराइव कर सकते हो तीन बार ए प्लस बी लिख के, जरूरत नहीं है छोड़ दो इसको। अगर आप ओपन करते हो ये हो जाएगा ए क्यू और ये हो जाएगा प्लस बी क्यू, थ्री ए बी इंटू ए हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थ्री ए बी इंटू ए तो ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी, और ये थ्री ए बी इंटू बी तो थ्री ए और ये बी दो बार मल्टीप्लाई हो गया तो बी स्क्वायर हो गया। तो आप दोनों फॉर्म में याद रखोगे, इस फॉर्म में भी याद रखोगे, इस फॉर्म में भी याद रखोगे। समझ में आई बात सभी को? यू हैव टू लर्न दिस इन बोथ द फॉर्म। समझ में आया क्या सभी को? ज्यादा ये वाला फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ज्यादा सेकंड वाला फॉर्म इम्पोर्टेंट है, बट आप दोनों फॉर्म ध्यान में रखें। यू हैव टू कीप बोथ द फॉर्म इन माइंड, दोनों फॉर्म से। अरे क्लास चले में बाद में पढ़ सकते हैं। यू हैव टू कीप बोथ। ठीक है, मैं क्लास चले में बाद में कॉल करता हूं। सर तुषार की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सर। अरे भैया तुम कहां बात कर रहे हो भाई, रजनीकांत से बात कर रहा है। सर अपॉइंटमेंट से कॉल आ रहा है, अपॉइंटमेंट लेके फोन करना पड़ेगा। कहां किसका कॉल आ गया था बता बता। सर सलमान क्लासमेट का। क्लासमेट पक्का? शायद सर, शायद चलो सर क्लासमेट ही था। चलो भाई, तो तुम इसका मतलब क्लासमेट का बुक यूज करते हो। वही तो नो सर, आपके क्लासेस स्टार्ट हुए ना तो उसको लिखा था क्लासेस में क्यों नहीं ज्वाइन हुआ, तो उसने अभी रिप्लाई दी है। चलो भाई, तीन फॉर्म हो गए ऐसे ही आप लिख सकते हो। ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्म होगा इसमें होगी तुम्हारी पिटाई है ना। इन सब फॉर्मूलेस को तुम्हें याद रखने हैं, इन सब फॉर्मूलेस को तुम्हें क्या करना है याद रखना, मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन नहीं। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, इसको ये इस बार सर कौन सा एक भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं ना? नहीं 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 सारे फॉर्मूले याद रखने, सब यूज होगा अभी 2.5 में। ए क्यू ये क्या हो रहा है यार, इसको इसीलिए हटा देता हूँ मैं एक टू से। ये होता है आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, थ्री ए बी स्क्वायर। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नीचे वाला फॉर्मूला है, ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? नीचे वाला है। समझ में आ रही बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गया लर्न? तो अभी तक मैंने आपको चार फॉर्मूले बता दिए, कौन कौन से फॉर्मूले बता लिए देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला बताया a plus b का होल स्क्वायर a minus b का होल स्क्वायर, इसको एक साथ याद रखेंगे, a square plus b square plus 2ab, और यहाँ पे a square minus 2a plus b square, या a square minus 2a plus b square, a square plus 2a plus b square, याद हो गया तो। अच्छा, मैंने तीसरा चौथा फॉर्मूला बताया a plus b का होल क्यूब, दोनों का क्यूब कर दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, या फिर उसको याद रखोगे, याद कर रखना इसी को ओपन कर दिया है तो थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी मेंटली कर सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर हो गए। अच्छा पांचवा है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये होता है नहीं होता है? ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, you will keep this in mind. ठीक है, then ये पांचवा formula है जिसको आप ध्यान में रखिए, this is the fifth formula which will keep in mind. sixth formula लिखिए, sixth formula जो आपको ध्यान में रखना है
ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। सिक्स्थ फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, ये क्या ध्यान में रखना है, सिक्स्थ फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके पास बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ये होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द फेमस फॉर्मूला विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इतने थे ही है ना, है भी और भी है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला है। सेवेंथ फॉर्मूला याद रखिए क्या है, एक्स प्लस ए और ये है एक्स प्लस बी। सर टोटली कितने फॉर्मूले हैं? टोटली है सात आठ दस फॉर्मूले हैं टोटल, ठीक है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या क्या है आपके पास, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है। ये होता है आपके पास, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी। ये देखो कौन सा शेप बन गया बताओ, किस चीज का शेप होता है क्या ये? ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी क्या हो जाएगा आपके पास बी एक्स, और एक्स इंटू ए क्या हो जाएगा आपके पास ए एक्स, और ये ए इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं ना आपको डायरेक्ट याद हो, ठीक है ना, आप क्या याद रखो डायरेक्ट याद रखो, ये हो जाएगा एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी और ये हो जाएगा प्लस ए बी। ये भी आपका सेवेंथ आइडेंटिटी है, दिस इज योर सेवेंथ आइडेंटिटी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। और एट्थ आइडेंटिटी ध्यान में रखेंगे, सभी लोग लिख रहे हो, एट्थ आइडेंटिटी ध्यान में रखेंगे, इसको स्टार मार्क बनाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एट्थ आइडेंटिटी के ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला, ये होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ये उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और ये माइनस सी है। समझ में आई बात? Do you understood this? Yes, sir. ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री एस ए बी सी। सर तो बिकॉज नेटवर्क वाज लेट ज्वाइन हुई हूँ बट स्टिल आई कैन नॉट सी द स्क्रीन। बाकी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, दिख रहा है। तो आपका नेटवर्क इशू है स्नेहा, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आपका नेटवर्क इशू ना, नॉट विजिबल, ओके। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी होगा ए प्लस बी प्लस, इसमें स्पेशल केस है, स्पेशल केस, इसी में स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस, स्पेशल केस लिखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, बताओ अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जो भी लिखा हुआ है ये जीरो हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग समझ लेना अच्छे से, इसको नहीं समझ में आया पूछ लेना। जीरो ही हो जाएगा पूरा, पूरा जीरो हो जाएगा ना, पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ये माइनस थ्री ए बी सी और ये जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी जीरो, और जीरो इंटू समथिंग हो गया जीरो तो क्या हो गया, स्क्रीन थोड़ा वो हुआ ना, डिम हो गया ना स्क्रीन? नो सर। नहीं सर, हुआ भी हुआ है, चार्जिंग लगाना पड़ेगा, बैटरी पे चल रहा था सर, चार्जिंग उतर गई, चार्जिंग ये लो भैया दोबारा से। अब देखो कुछ डिफरेंस आया समझ में? सर लैपटॉप कौन सा है आपका? आसुस। देखो ये जीरो इनटू समथिंग जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आगे बढ़े, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो जाएगा आपके पास थ्री ए बी सी,
यहाँ तक की बात समझ में आई, इसको भी घेर दे रहा हूँ। अगर कभी a प्लस बी प्लस सी जीरो की कंडीशन दिखेगी इसके ऊपर सवाल आते हैं बहुत सारे, अगर कभी भी देखेंगे हम कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। अगर कभी भी हमें ऐसी कंडीशन दिखेगी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी में अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो जीरो इंटू समथिंग पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी। समझ में आई बात? सबको समझ में आया? ये आठ फॉर्मूले आपके बुक में दे रखे हैं। ये आठ फॉर्मूले क्या है आपके बुक में दे रखे हैं। दो फॉर्मूले आपके बुक में नहीं दे रखे हैं लेकिन यूज होते हैं, उसको भी लिखे। मतलब बुक में तो दे रखे हैं बट उन्होंने एज ए आइडेंटिटी एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये हर जगह यूज होते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी डाउट के। दो फॉर्मूले आप और लिखेंगे, नाइन और टेन। देखिए क्या है ये आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या पहले मैंने ये लिखाया है? देखो मैंने ए प्लस बी का होल क्यू निकाला था, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये है ए प्लस बी का होल क्यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मैं अभी क्या लिखा रहा हूँ, देखो ये है ए प्लस बी का होल क्यू और ये क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है। बताओ ये सेम है क्या या दोनों के अलग अलग है? ए प्लस बी का होल क्यू क्या ये सेम है क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या सेम है? सर नहीं सर, डिफरेंट है, डिफरेंट है सर, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते वन प्लस टू इसका होल क्यू करते हो, देखो लिंक टू सेट में क्या, देखो क्या आ गया, वन कहाँ गया? अभी देख वन प्लस, इसीलिए लिंक करता हूँ मैं, वन प्लस टू का होल क्यू किया तो यार वन प्लस टू का होल क्यू क्या होगा, वन प्लस टू क्या होगा थ्री, और थ्री का क्यू कितना हो जाएगा 27। बात समझ में आ रही? अगर मैं इसको लिख देता हूँ वन क्यू प्लस टू का क्यू, वन का क्यू क्या हो जाएगा वन और टू का क्यू क्या हो जाएगा एट, तो ये आ जाएगा नाइन। क्या बताओ नाइन 27 के बराबर है? इस नाइन इज इक्वल टू 27, बताओ ना ये 27 नहीं आ रहा है। तो याद रखना ए, ये पहले तो ये लिख लेना, पहले ये लिखना, तुम लोग एग्जाम में इस गलती को करोगे तो। मैंने तुम्हें चैलेंज दिया सभी लोगों को कि इसमें से आप लोगों में से कोई ना कोई इस गलती को करेगा और मैं दिखाऊंगा, देखते हैं कितने लोग मेरे बोलने के बावजूद भी मिस्टेक नहीं करते, ठीक है। इट्स चैलेंज फॉर यू, आप लोग जब मैं पेपर दूंगा तो उसमें मिस्टेक करोगे। ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए क्यू प्लस बी, लेकिन देखना अभी ये लिखेंगे कुछ लोग। बोलो कुछ बोल रहे हो आप? सर जो एब्सेंट थे वो लिखिए। ए प्लस बी का होल क्यू नहीं होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला लिखोगे ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये होता है आपके पास ए माइनस बी और ये ए स्क्वायर और ये प्लस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर। याद रखो ये अपनी तरफ से 2ab और ये 2ab आप मत लगा देना, 2 मत लगा देना ना, ऐसा नहीं कि सर सर शायद हो सकता है 2 लगाना भूल गए है ना, ऐसा दिमाग मत लगाना, ठीक है। जो लिखा हुआ है 100% क्या है, सत्य है सर, सत्य वचन है। सर अगर वहां पे a प्लस b होल टू द, बोल 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 बोल, अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करो। सर रेंज प्रॉब्लम, सर ए प्लस बी का स्क्वायर होगा तो उसका आंसर तो स्क्वायर में आएगा ना, उसका मतलब नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा। बिल्कुल yes. मतलब तुम ये भी सर एग्जाम में, सर एग्जाम में ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 वैसे नहीं आएगा। देख पहली बात तो ये लिख ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, ये लिख, ठीक है, यही बोला था ना, यही बोल रहा था, ये नहीं होगा। हाँ और अगर पावर 4 वगैरह आया तो इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास यही 10 फॉर्मूले हैं जिससे हम काम कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखता है, आइए हम फटाफट इन चीज का रिविजन कर ले, फटाफट हम इन सब चीजों का रिविजन कर ले, ठीक है। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी,
कैसे भी लिख सकते हो ना, प्लस में है तो कैसे भी लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लिखो या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखो, जैसा भी आपको बोलना है बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एक साथ हो गया, ए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। चौथा है ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, तो यहाँ से हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा फिफ्थ नंबर देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आगे क्या है प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। अच्छा जी सिक्स्थ नंबर देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको स्टार मार्क यूज करिए, ये वाली चीज कहाँ यूज करते थे कौन बताएगा, कौन बताएगा ये वाली चीज हम लोग कहाँ यूज करते थे, इस फॉर्मूले को हमने बहुत जगह यूज किया है, किस किस को, किस सर नंबर सिस्टम, सर नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम के कौन से क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं सर, वो डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना था ना तब, ना 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 सर बार वाले क्वेश्चन, ना सर जो बार वाले क्वेश्चन थे उसको, सर जो बार वाले क्वेश्चन थे उसको फ्रैक्शन में करना था, ना 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 सर उसके एक एग्जांपल भी आ दे 0.47 बार को आपने कन्वर्ट किया था, ना 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 ये चीज हमने यूज नहीं की, हमने रैशनलाइजेशन में यूज किया था, जब डिनोमिनेटर आता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म आता था, यस सर किसी ने सही नहीं जवाब दिया, जैसे आपके पास है √3 + √2, आप इसको क्या मल्टीप्लाई करते हो, √3 - √2 से मल्टीप्लाई करते हो या नहीं करते हो, करते हो या नहीं करते, यस सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनता था या नहीं बनता था, हम क्या लिखते थे रूट थ्री का स्क्वायर लिखते थे माइनस रूट टू का स्क्वायर लिखते थे, यही वाला तो फॉर्मूला यूज करते थे, समझ में आ रही बात, हम लोगों ने रैशनलाइजेशन में इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्ट को बहुत यूज किया है, ठीक है जी, ठीक है बढ़ा जाए आगे, यस सर चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्या होगा, ये होगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है ये चीज हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है, ये वाला भी देख लो, सेवन देख लो, एक्स प्लस ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी, और ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है उसके बाद उसके बाद ये हो गया आपके पास स्पेशल केस, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब उसकी वैल्यू होगी थ्री ए बी सी, ठीक है। अच्छा नाइन्थ में देखिए क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और टेंथ नंबर का फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी, इसको याद कैसे रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी आ गया, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बी आ गया, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, देखो ये साइन इसका चेंज नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर बी स्क्वायर, आप इसको जैसे फोटो लेते हैं ना फोटो, तो अपने दिमाग में इन दोनों का फोटो ले लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Are you understanding? This is also very very important formula. ठीक है, ले लिया? Yes sir. फोटो ले लिया? अब इसको मेमोरी में सेव कर लो, ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो गैलरी में जाना और दोबारा से इसको फोटो को निकाल लेना, ठीक है मेमोरी की गैलरी में, ठीक है। चलो अब बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूँ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको इन 10 फॉर्मूले को याद रखने का होमवर्क दूँ, बताओ कौन सा आपको होमवर्क लेना पसंद है? सर क्वेश्चंस बताओ कौन सा होमवर्क, सर या तो होमवर्क क्यों मत दो ना आज के दिन, नहीं सर आज के दिन होमवर्क क्यों मत दो, क्यों भाई आज ऐसा क्या दिन है,
सर आप बीमार हो सर, इसलिए छोड़ दो ना सर कल। हाँ सर, है ना? नहीं सर कल संडे था, सर कल संडे था ना कल तो। संडे था और सर आज तो मंडे है, इसलिए संडे के बाद सर मंडे आता है, और इस बार तो सर आप बीमार भी हो इसलिए इस बार होमवर्क मत करो। सही है भाई, मेरे बीमार से तुम्हें होमवर्क का कोई लेना देना नहीं है। ये 10, मैं कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये 10 पोस्ट, सर आज के दिन छोड़ दो ना सर। ये जो दस जो क्वेश्चन है ना, इसको याद रखना है। ये 10 क्वेश्चन को एकदम ऐसा याद रखना है, ABCD भूल जाना बट इन फॉर्मूले को मत भूलना। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये 10 के 10, ठीक है? नाम भूल जाना लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है? पूरा घोट के पी लेना, पूरा घोट के पी लेना इन फॉर्मूले। सर 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 एक बार फिर से दिखाओ ना सर। हाँ, और सर फिर कल नाम पूछोगे या फॉर्मूला? नाम मैं फॉर्मूला पूछूंगा और कैमरा ऑन करवाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा को बिठाऊंगा, वहीं पे याद करोगे। सर ऊपर ऊपर लेना सर। रात को मैं 10 बजे कॉल करूंगा, ठीक है? तुम्हारे इन मम्मी रिकॉर्डिंग पापा ने सर कॉल एक बार किया। दिखाओ ना देखो भाई सब तो लिखा हुआ है, सर सब स्क्रीन तो। रिकॉर्डिंग भी ऑन है, सर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सर हाँ वन तो सर देखो मेरी भी ऑन है। सर, बोलो कौन सर सा दिखाओ देखना ना है तुम्हें। सारा। सर हो गया सर, सब स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया बस। सब तो लिखा सर है तूने दिखाओ ना अभी एक तक? बार। लिखा नहीं, सब तो लिखा है। अब क्या दिखाऊं? कौन नो सर, हो गया सर, बोल रहा है दिखाने के लिए? कोई नहीं, लिख लिख ले भाई, लिख ले, जल्दी लिख। मैं क्यों नहीं लिख रहा था? लिया सर, लिख लिख, लिया सर। लास्ट वाले लिख, 4 तक लिख गया, 5 6 लिख, 5 6 7 6 तो देख छुप गया, इतना इम्पोर्टेंट था ये, छुप गया इम्पोर्टेंट के बीच का, इसको इम्पोर्टेंट का दबाव था, इससे देख दब गया है। अरे अथर्व भोसले, तुम्हें प्रेजेंट देने के लिए बोल VIQ रहा सर, हूँ। 6 के आगे VIQ लिख दो, वेरी BIQ क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अभी बिना बोले कोई अटेंडेंस नहीं देगा, उनके -5 मार्क्स मतलब कट गए। जो बिना बोले अटेंडेंस दिया, इन दोनों लोगों के -5 हो गया, अथर्व भोसले और शिवम। सर शिवम ने सर दो बार गलती से हो लिखा, गया सर। हम सेवन के 2 बार माइनस हो गया, माइनस अरे -10 हो गया, 20 30 मार्क का तो क्वेश्चन ही है, मतलब मार्किंग अब 20 में से होगा सर सेवन। सुनो ना हाँ बोलो सर, बोलो। हेलो -5 × -5 कर दो ना सर, -5 × -5। ना, लेकिन फिर मैं सर माइनस लगा प्लीज दूंगा, -5 × -5 सर, है वो तो -5। सर अथर्व ने लिखा था इसलिए मेरे को लगा, मैं इसलिए मैंने भी लिख दिया। अच्छा, तो दोनों दोनों पाप के भागीदार हो रहे, इसलिए दोनों का देख के मैंने भी लिख सर दिया। सर लगता ही क्यों है सर, लगता ही। हाँ, लगाने वाली हर आदत क्यों है तुम्हारी, ऐसे क्यों सर लगाते वैसे भी हो? टाइम हो गया है, 5 बज गए इसलिए लिख दिया। टाइम तब तक नहीं होगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा, टाइम का कुछ नहीं है, ठीक यस है? ना सर, टाइम टाइम को तो पास करके ऑफिशियल रखते थे। है। मैं बोल दूं टाइम तुम्हारा 1:30 तक, टाइम तुम्हारा 5:30 तक है, ठीक है? फिर टाइम अभी अच्छा लीव होके रहेगा, चले जाते। यस ठीक है? चलो समझ में आ गया। 10 क्वेश्चन तुम्हें लर्न करना है, सर, और 10 क्वेश्चन को इस तरीके से लर्न करना है, ठीक है? इस तरीके से लर्न करना है, इस तरीके से लर्न करना है। रुक रे रुक, अभी भी आदित्य का तो 100% गया, कुछ बोल रहा हूँ तो अपना नाम लिखने में टाइम वेस्ट कर रहा है। रुक, यस सर, इसलिए मैं वन नाम दस लिख रहा क्वेश्चन हूँ। को सर तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा नेट पैक खत्म हो गया है। सर तुम बोल क्या, क्या तो सर है तुमसे सबसे पहले पूछा जाएगा, ठीक है? सर? ये तुमसे सुनाई दिया सर, ये सुनाई दिया। नहीं, इससे सबसे हेलो पहले देखो, सबसे पहले बोल रहा हूँ, सबसे पहले इसी से पूछा जाएगा, और मैं अभी ग्रुप पे मैसेज भी डाल दूंगा कि 10 के 10 फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो तुम्हारे मदर फादर को कॉल करके बोलूंगा कि इसको फॉर्मूला क्यों याद नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? सर, नेट नेट इशू था, ये वाला PDF याद इशू था, रखना, ये वाला फोन हैंग PDF। हो गया था, फोन हेलो हैंग सर, हो मेरा बार गया बार था, डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए बार बार कनेक्ट हो रहा कोई है। बात नहीं बेटा, ये सर वाला फॉर्मूला सर मैं डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा, ठीक है? सर इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर इसको दूंगा रट लेना, NCERT में भी है, ठीक है? उसको भी रट लेना, ठीक सर। है? बोलो सर गेम खेल के नेट। सर। चलो सर मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। हाँ, उसको शेयर कर देना, और चलो अब इस क्लास को एंड करते हैं, अब तुम लोग अटेंडेंस देना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सर सर अब शेयर मैं कर डबल दू दो क्या? क्या? हाँ, अब अटेंडेंस दोबारा लिखो।
थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। सो आई विल एंड हियर। बाय सर, थैंक यू वेरी मच।